तुमको भी कभी अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो तुम शादी कर लेना, बस बच्चों को मुझे दे देना। तो मैं बोली मैं पुराना कपड़ा हूँ। बोलता है हाँ जैसे तुम पुराना कपड़ा हो, अंजलि 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 न्यू कपड़ा है, तो मेरा मन तो चाहेगा ना कि मैं न्यू कपड़ा पहनूँ। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए कि जितना भी दहेज का सामान दिया गया था, है इयर रिंग है, पायल है बहुत सुंदर सा, सब लेके रखी है, चुटैया नहीं तो सारा सामान लेके रखी है, हमें पता चल जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें सस्पेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इतना प्यार करके, इतना साथ रह के, इतना सपोर्ट करके क्या मिला, धोखा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम बनाने वाले नाश्ते में पोहा। बस आप आज सोमवार है तो हम लोग आज प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो पोहा वही अदरक टमाटर से ही बनाऊंगी। रिशु का दूध गर्म हो चुका है। मैं आज फाइनली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही को तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा लुक थोड़ा सा बाल वाल, तो कल मैं अपने बाल कल की थी ना प्रीति, मेरा बाल पूरा कल करी थी, तो देखिए पूरा नूडल्स की तरह मेरे बाल घूम रहे हैं। मतलब इतना कोशिश की मैं उसको ठीक करने का, तो मैं कर ही नहीं पाई। अब मैं शैम्पू करूँगी, बाल में शैम्पू करूँगी तभी मेरा बाल ठीक होगा, नहीं तो ऐसे हो रहा है पूरा। और जब मैं सुबह नींद से उठी अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, पूरा घोंसला टाइप का हो गया था। खैर इसका भी एक अपना अलग ही मज़ा है, तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी आज। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए कि जितना भी दहेज का सामान दिया गया था वो मुझे वापस मिलेगा, बहुत जल्द वापस मिलेगा। गोल्ड हो, सिल्वर हो, घर के सामान हो, सब वापस मिलेगा। और मिलना चाहिए भी, क्योंकि मेरे पापा की मेहनत के पैसे, पापा के पैसे से खरीदा गया है। जब वो लोग अपना पल्ला झाड़ लिए, झाड़ के अपना चले गए हैं, तो आई थिंक मेरे पापा की मेहनत के पैसे का एक एक रुपये का सामान मुझे मिलना चाहिए। 400 सोने का कंगन है, मंगलसूत्र है, फिर क्या बोलते हैं, चैन है, इयर रिंग है, पायल है बहुत सुंदर सा, सब लेके रखी है, चुटैया नहीं तो सारा सामान लेके रखी है, मैं क्या ही बताओ। ऐसे लोगों की जो वो होती है ना, वो कभी ठीक नहीं होती है। बट खुशी की बात ये है कि मुझे मेरा सामान मिल रहा है और कुछ नहीं। और करमजली को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। करमजली जी, तुमने मुझे कमेंट किया था ना कि तुम तो उसके लाइफ में वापस आना चाहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे लाइफ में वापस कभी ही नहीं आएगा, तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। तो बहन, मैंने कब कहा कि मुझे उसके लाइफ में वापस जाना है? इंसान अगर गटर से दोबारा निकलता है तो फिर से गटर में कूदता है क्या? गटर तुझे मुबारक, गटर के नाली कीड़े तुझे मुबारक, वहाँ के कीड़े मकोड़े तुझे मुबारक, हमें तो नहीं चाहिए भैया। राम राम, तुम संभालो, तुम ही खाओ उसको। देखो एक बात मैं तुमको बोलती हूँ, पहली बात तो तुम लोग कभी फॉरेन नहीं भाग सकते, दूसरी बात तुम्हारा पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तीसरी बात तुम लोग लीगली कभी शादी नहीं कर सकते, चौथी बात मंदिर में छुप छुप के शादी कर सकते हो, पांचवी बात उस पीछे को इतना खौफ है कि जो जब से दाढ़ी वाड़ी आती है, आई थिंक 15 साल से दाढ़ी वाड़ी आती होगी, 15-18 साल से, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तब से हमेशा क्लीन शेव रखता है, हमेशा हमेशा उसको क्लीन शेव ही पसंद है। लेकिन जब से मैंने सब चीज़ें शेयर किया है, कोई पहचाने नहीं, तब से इतना बड़ा बाबा तक का दाढ़ी रखा है और मूंछ रखा है, अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया ताकि लोग उसे पहचाने नहीं करके। खौफ देख रहे हो मेरा? खौफ देख रहे हो? ये मेरा खौफ नहीं है, ये खुद की सच्चाई छुपाने का खौफ है। जैसे उसके माँ बाप कभी अगर मुझे ऋषि को देखते तो ले भागे, भागो, पुलिस आया। सेम एग्जैक्टली उसका भी वही फंडा है, कोई पहचाने नहीं करके। और अब नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा स्पेस है, आप लोग वेट करिए, आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें सस्पेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप लोगों को तो शॉक लगेगा, साथ में सामने वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं।
आप लोगों को क्या लगता है मेरे पास एड्रेस नहीं है पतंजलि का? एड्रेस है, कहाँ रहती है सब मालूम है, क्या जॉब करते हैं सब मालूम है, मैं वहाँ जा भी सकती हूँ, पूरा लीगल प्रूफ वगैरह दिखा के मैं वो जो जॉब करती हूँ उसको वहाँ से निकलवा भी सकती हूँ। जब मैं उसके पापा तक पहुँच सकती हूँ, उसके पापा का नंबर मुझे मिल सकता है जो कि पर्सनल चीज़ें होती है, उसके पापा से मैं बात कर सकती हूँ। तो जहाँ जॉब करती तो मामूली मेरा छत्तीसगढ़ का है, उसके पापा तो गुवाहाटी में रहते, मैं वहाँ पहुँच गई तो ये तो सीजी में रहती, मेरे घर के बाजू में जानकी चापा में, वहाँ मैं नहीं जा सकती। अभी मैं आराम से जा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, उसको जॉब से निकलवा सकती हूँ, बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ। कोई एक है, मतलब कहना कि तुमको फेक आईडी बना के फेक कमेंट करके तुमको बड़ा सुकून मिलता है, लाओ सुकून। जिस दिन मुझे सुकून मिलेगा ना, उस दिन तुम फेक कमेंट करने के भी लायक नहीं रहोगे, देख लेना। खुद ही झंझट से मुक्त होना चाहती हूँ। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, विष पीसी के प्यार में इतना पागल हो गई थी। इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था मुझे, इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं था। क्या क्या नहीं इसके चलते मैंने सैक्रिफाइस किया। कभी अपने पसंद का सब्जी नहीं खाई, कभी अपने पसंद का कुछ चीजें खाई नहीं। क्यों? पति को जो पसंद है वही बनाती थी, पति को ये पसंद है ये बनाओ, पति को वो पसंद है वो बनाओ। क्यों? क्योंकि प्यार करती थी, पति को जो पसंद है वही बनाऊंगी, जेन्युइन सी बात है। पति को रोटी पसंद है, पति को पराठा पसंद है, पति को ये पसंद है, पति को बिरयानी पसंद है, बनाओ बनाओ बनाओ, वही वही खाते रहो खाते रहो खाते रहो। इतना प्यार करके, इतना साथ रह के, इतना सपोर्ट करके क्या मिला? धोखा, सिर्फ पैसों के लिए। मुझे किसी ने कमेंट किया था कल, गलती आपकी भी रही होगी तभी ऐसा हुआ। कितने बार बोलूं मैं, मेरी गलती यही थी कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरी गलती यही थी कि मैं 5 साल सही हूँ हर चीज़, सिर्फ प्यार के खातिर, बहुत प्यार करती थी। और मेरा पति मुझे 8 मंथ की प्रेगनेंसी में छोड़ के चला गया। मैं जब 4 मंथ की प्रेगनेंट थी, प्रेगनेंसी में, अब मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ आप लोगों को, आप मुझे बेशरम बोलो बेहया बोलो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं इतना कुछ बोलने का हिम्मत रखती हूँ, अपने लिए लड़ रही हूँ, तो मैं ये बात भी बोल सकती हूँ। मेरा पति जब मैं 4 मंथ की प्रेगनेंट थी, वो चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास नीड पूरा करने के लिए। क्योंकि एक वाइफ जब प्रेगनेंट होती, और मेरा प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क में था, मैं बेड रेस्ट, मैं टोटली पूरा बेड रेस्ट पे थी, पूरा बेड रेस्ट पे थी बस। और उसने अपने दोस्तों तक को ये बात बोला है, खुद बोला है अपने दोस्तों को कि मैं अंजलि को प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसको छोड़ा, खुद अपने मुंह से बोला है। और मैंने कोई गलती की होती तो पुलिस में बोलता वो कि मैंने क्या गलती की, कुछ क्यों नहीं किया। और बहुत जल्द वो रिकॉर्डिंग भी मैं पेश करूँगी जिसमें उसने साफ बोला है मुझे कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, है ना, बेवजह तुम इसमें पीस रही हो, लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूँ मैं क्या करूँ, मेरे को हमेशा से एक जॉब वाली लड़की चाहिए थी जो जॉब करती हो, पैसा कमाती हो, जो पैसा कमाए मुझे दे पैसा कमा के। तो मुझे फाइनल वैसी लड़की मिली है, दिखने में खूबसूरत नहीं है, अच्छी नहीं दिखती, मगर पैसा कमाती है, और इस दुनिया में वैल्यू तो पैसे की होती है ना। तो ये अपने मुँह से खुद मुझे बोला है, और मुझे ये भी बोला है कि आज मैं किसी और को प्यार करता हूँ मगर तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा कोई कुछ है नहीं, अगर तुम भी किसी से प्यार करती तो तुम समझती कि प्यार क्या होता है। स्पष्ट मैं ज़रूर डालूंगी, ज़रूर, मैं बिना सबूत के बात नहीं करती, पहले भी बोल चुकी हूँ, बोलती तो सबूत है मेरे पास, अभी बोल रही हूँ। तो तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो तुमको ज़्यादा बुरा लग रहा है, तुम एक बार मेरे जगह में आके देखो। मैं बोलूँ तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, है ना, तुम बस अपना स्वार्थ देख रहे हो यहाँ पे। एक बच्चा होगा, बच्चे को मैं क्या बोलूँगी? तो बोलते बच्चे को मुझे दे देना, मैं बच्चा पाल लूँगा, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर में आगे बढ़ो, तुमको भी कभी अगर कोई अच्छा लड़का मिलता तो तुम शादी कर लेना, बस बच्चे को मुझे दे देना, ये सब बात वो मुझे बोला है। इतना कमीना गिरा हुआ घटिया इंसान है, 5 साल मेरे साथ रहा, मेरे को बोलता है अब तो तुम पुरानी हो गई हो, मुझे नए की ज़रूरत है। मैं बोली क्या बोला? तुम एक बात बताओ, कोई अगर 5 साल कोई कपड़ा यूज़ करेगा, मतलब अगर मेरे सामने नया कपड़ा है
तो मैं पुराना कपड़ा थोड़ी पहनूंगा, मैं तो नया कपड़ा ही पहनूंगा ना। तो मैं बोली मैं पुराना कपड़ा हूँ। बोलता है हाँ जैसे तुम पुराना कपड़ा हो, अंजलि न्यू कपड़ा है, तो मेरा मन तो चाहेगा ना कि मैं न्यू कपड़ा पहनूं। अब बोल मैं गलत हूँ। तो आप लोग अगर नए जुड़ते हैं ना तो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए, आप लोग को सब पता चल जाएगा। विथ प्रूफ बात करती हूँ, मुझे किसी को कुछ साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सब कुछ तो सही चल रहा था मेरी लाइफ में, सही चल रहा था ना। बिगड़ा कब, जब वो करमजली आई, है ना। एक लड़की ना अपने पति के घर में ना सूखा रोटी खा लेती है, ठीक है, उन लोगों का जिल्लत सह लेती है, उन लोगों का हर चीज सह लेती है, लेकिन दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती, कभी नहीं। चलो मेरा कुहा बात करते करते पूरा गया। जिसने मुझे कमेंट किया था कि आप बर्दाश्त करेंगी आपके घर में आपका पति कोई दूसरी औरत लेके आए, हाँ नहीं ना, मैंने बर्दाश्त किया। उस लड़की को मैं पहले बहुत झगड़ा की, बहुत गुस्सा की, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को चिल्लाना बहुत मना था, बट मैं फिर उसको समझाई, वो नहीं समझी। फिर आप लोग जानते हैं मैं उससे फ्रेंडशिप की, चलो ठीक है तो उससे दोस्ती करके देखती हूँ कि शायद समझे। 15 दिन मैं उससे एज अ फ्रेंड ही बात की, बहुत समझाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जानती हूँ इस वक्त एक पति को कुछ नीड होता है, बट प्लीज़ चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। नहीं गई, उसने उसी गैप का फ़ायदा उठाया, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। सच बोलने में कोई शर्म नहीं है, सच बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ और पूरे सबूत के साथ बोलती हूँ। ताली 2 हाथ से ज़रूर बजती है, मगर यहाँ पे ताली सिर्फ 1 हाथ से बजा है। आप 5 साल के इस को दिल से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, और आखिरी में जब आपको उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, वही इंसान आपको छोड़ के चले जाए सिर्फ 2-4 पैसों के लिए, और आप पुराने हो गए हो। 5 साल तुम्हारे साथ रहा, 5 साल बहुत होता है, ये कहा था उसने मुझे, 5 साल तुम्हारे साथ रहा, 5 साल बहुत होता है। अब मैं अंजलि के साथ रहना चाहता हूँ, अब तुम पुरानी हो गई हो, अब मुझे नया चाहिए। एग्जैक्टली यही वर्ड उसने मुझे कहा था। मेरे पास ना बहुत सारे सबूत है, मैं धीरे धीरे सब जरूर डालूंगी, फिर आप लोगों को समझ में आएगा उसकी मुंह जुबानी। हवा में क्यों बात करूं मैं। चलो मैं पोहा बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आज शाम को आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपसे कुछ लीगल चीज़ें शेयर करूँगी मैं, आप लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी बहुत खुश हूँ इस मैटर में। चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे आज शाम को। बाय बाय।